नमस्कार विद्यार्थियों, आज का अध्याय पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल छोटी सी कहानी। एक्चुअली हुआ यूं कि दो बहनें थी, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी बहन को ये लगने लग गया कि शायद उसके साथ घर में असमान व्यवहार होता है, और ये बात जो थी उसके मन में घर कर गई कि मेरे साथ तो दूसरा व्यवहार होता है, गलत व्यवहार होता है, बड़ी बहन को महत्व दिया जाता है, मुझे नहीं दिया जाता। और यह बात धीरे धीरे उसके मन में घर कर गई। परंतु माँ बाप के लिए तो बच्चे एक समान होते हैं, उनकी दो आंखों के समान ही होते हैं। परंतु जैसे जैसे ही वो लड़की बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी समझ में आता गया कि ये उसके मन का वहम था। तो ये तो छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी है, पर मैं इतना ही सिखाऊंगी। तो क्या बच्चों, आपके साथ भी कभी असमान व्यवहार हुआ है? कभी स्कूल में या फिर घर पर या कहीं भी समाज में होता होगा, किसी के साथ हुआ होगा। तो यह तो हुआ व्यक्तिगत असमानता, तो इसके साथ साथ सामाजिक असमानता भी होती है। तो बच्चों मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या समाज में सभी को समान अधिकार मिलते हैं? तो आप बोलोगे यस मैम, कि सभी को समान अधिकार मिलते हैं। मैं अब दोबारा आप लोगों से पूछूंगी, क्या वाकई सबको समान अधिकार मिलते हैं? आप फिर से यही बोलोगे कि हाँ मैम, सभी को समान अधिकार ही मिले हैं समाज में, बोलने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, जाने की स्वतंत्रता, सबको समान अधिकार मिले हैं। तो हाँ, सभी को समान अधिकार मिले हैं, परंतु जो बड़े लोग हैं वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु जो गरीब वर्ग है, जो मजबूर है, वो अपने इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता, वो इनका उपयोग नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि एक बिल्डिंग बन रही है, वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कुछ मजदूरों की जो दिहाड़ी, यानी रोज रोज की सैलरी, कुछ की तो दिहाड़ी कम होती है और कुछ की ज्यादा। तो आप पूछोगे कि काम तो एक जैसा है, सुबह 8 बजे आना, 6 बजे जाना, एक जैसा काम, काम भी कर रहे हैं, तो दिहाड़ी में असमानता क्यों? उसका रीजन ये है कि जो मजबूर है, जो गरीब है, जिनको काम नहीं मिल रहा, तो वो थोड़े पैसे लेकर भी काम आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पेट पालना है, अपने घर का पेट पालना है, तो वो कम पैसों में भी आने के लिए राजी हो जाते हैं। तो ये तो भूमिका मैंने बांधी आपको अपना आज का अध्याय पढ़ाने के लिए। तो हमारा आज का अध्याय है दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं यशपाल जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। यशपाल जी का जन्म 1903 में और 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। यशपाल जी जो थे वो एक क्रांतिकारी कवि थे, और भगत सिंह जी के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। प्रस्तुत कहानी जो है वो देश में पहले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति जो होती है वो सबको एक समान ही होती है। दुख में हर कोई मातम मनाना चाहता है, और दुख के क्षण में समान होने पर सब अवश्य हो जाते हैं। पर इस देश में बहुत से लोग ऐसे अभागे भी हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार होता है और ना ही अवकाश, अर्थात बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुख तो मनाना चाहते हैं, परंतु ना तो उनके पास वो साधन होते हैं और ना ही उनके पास वो अवकाश होता है कि वो ज्यादा दिन रुक के उसको अपने दुख को मना सके। सो हमारा आज का चैप्टर है दुख का अधिकार। अब हम इसको अपनी बुक से पढ़ेंगे। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। पोशाक का मतलब होता है वस्त्र जो हम डालते हैं। अब मनुष्य की, अब ये बात ही देखो कि जो मनुष्य की पोशाक है उसे अलग अलग कैटेगरीज में बांट देती है। कैसे? अब आपको आपको पूछेंगे तो आप कहोगे हाँ मैम, कि जिसे बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आप कहोगे ये अमीर वर्ग से संबंध रखता है। जिसने थोड़े से ठीक ठाक कपड़े डाल रखे हैं, आप कहोगे ये मध्यम वर्ग से संबंध रखता है। और जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे होंगे, आप कहोगे कि ये निम्न वर्ग से संबंध
रखता है। सो मनुष्य की जो पोशाक है उसे विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पराये पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। कहते हैं कि जिसने अच्छे कपड़े डाले होंगे सब उसको महत्व देंगे, जो गरीब होगा उसको कोई भी ध्यान नहीं देता। इसलिए पोशाक जो है उसका अधिकार और दर्जा जो है निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोगों के काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं और जो गरीब वर्ग होता है वो लाइनों में खड़े होकर धक्के खाता है। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है, हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय में पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमने बहुत अच्छे वस्त्र पहने होते हैं और हम अपने से नीचे वाली जाति के लोगों से थोड़ा बात करना चाहते हैं, परंतु उस समय में जो हमारी पोशाक है उस समय बंधन और अड़चन बन जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपने से छोटे लोगों से बात करेंगे तो कोई देखेगा तो हमें क्या कहेगा कि कितने छोटे लोगों से इसका संबंध है। जैसे वायु की कटी लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके सकती है। कहते हैं कि जैसे पतंग जो आती है आकाश में से जब कटती है तो एकदम नीचे नहीं गिर के आती, जैसे जैसे हवा उसको लेकर आती है वैसे वैसे ही वो नीचे रुकती जगती हुई नीचे चली आती है। तो कहते हैं ऐसे ही पोशाक जो होती है वो हमें अलग अलग परिस्थितियों में रोकती है कि कहां हमें किसी से बात करनी चाहिए और कहां हमारा किसी से बात करने पर अपमान हो सकता है। तो यहाँ लेखक भी जो है, यहाँ पर बाजार में एक बूढ़ी स्त्री जो है वो रो रही है, लेखक भी उससे बात करना चाहता है परंतु वहां पर उसकी पोशाक उसके आड़े आ रही है। बाजार में फुटपाथ पर खरबूजे दलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। अब लेखक ने देखा कि बाजार में वो गया और उसने देखा कि फुटपाथ पर, फुटपाथ होता है, फुट का मतलब होता है पैर और पाथ मतलब चलने वाला रास्ता, जहां पर पैदल लोग चलते हैं जो जमीन से थोड़ा सड़क से थोड़ा ऊंचाई पर होता है, तो वहां पर कुछ खरबूजे जो थे जमीन पर पड़े हुए थे और कुछ डलिया में यानी कि टोकरी में रखे हुए बेचने के लिए खरबूजे जो थे वो रखे हुए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। राइटर ने देखा, लेखक ने देखा कि वो खरबूजे पड़े हुए शायद बेचने के लिए रखे हुए थे और उन खरबूजों के पास एक अधेड़ उम्र की औरत यानी कि 40 से 50 साल से ऊपर की जो औरत थी वो उनके पास बैठी हुई थी और रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, खरबूजे रखे हुए थे तो वो बेचने के लिए ही थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, कौन आगे आता, क्योंकि जो बेचने वाली थी वो तो रो रही थी इसलिए कोई भी खरबूजे नहीं ले रहा था, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी, क्योंकि जो खरबूजे बेचने वाली थी वो तो सिर को अपने घुटनों में छिपाए हुए रो रही थी। तो अब उस रोने का कारण क्या था, राइटर जानना चाहता था, लेखक जानना चाहता था, परंतु वो जान नहीं पा रहा था। तो नेक्स्ट, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। वो औरत शायद होता होगा कि रोज उस बाजार में उस फुटपाथ पर डेली आती होगी, तो वहां पर आसपास के जो भी दुकानदार होंगे उसको जानते होंगे। सो वो पास पड़ोस के जो भी दुकानदार थे वहां पर तख्त का मतलब होता है लकड़ी के जो बेंचेस होते हैं उन पर बैठे हुए घृणा की दृष्टि से, सबको उससे किसी को भी सांत्वना नहीं थी, किसी को भी उससे हमदर्दी नहीं थी, अपितु उसी स्त्री को लोग घृणा की दृष्टि से देख रहे थे और उसके संबंध में नफरत में ही बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। राइटर कहते हैं मैंने उसे रोते हुए देखा तो मेरा मन जो था वो दुखी हो गया, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। कहते मैं अपने आप से सोचने लगा कि मैं कैसा क्या करूं कि मैं उसके रोने का कारण जान सकूं। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन गई
थी। लेखक कहता है कि मैं उसका दर्द जानना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि वो रीजन क्या है, वो कारण क्या है जिसकी वजह से वो रो रही है और बैठी हुई मजबूरी में बैठी हुई बेचने भी आई है और बेच भी नहीं पा रही है खरबूजे और रो रही है, परंतु ऐसा करते हुए फुटपाथ पर उसके साथ बैठने के लिए मेरी जो पोशाक थी वो मेरे लिए बाधा बनकर खड़ी हो गई थी। मैं चाहते हुए भी उसकी दुख को नहीं जान पा रहा था। नेक्स्ट, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा। राइटर कहता वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, लेखक कहते बहुत सारे लोग थे, सारे दुकानदार थे, तो उन्हीं दुकानदारों में से एक ने उस स्त्री की ओर घृणा से देखते हुए एक तरफ थूक फेंकते हुए कहा कि क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। अब उनमें से एक आदमी ने कहा, गुस्सा आया उसको बहुत, नफरत के साथ उसने उस औरत की ओर देखते हुए कहा कि क्या जमाना आ गया है, इस औरत को तो देखो, इसका जवान बेटे को मरे हुए अभी एक भी दिन नहीं हुआ और यह बेहया का मतलब होता है यह बेशरम, और कहते हैं कि ये बेशरम औरत जो है वो दुकान लगाकर बैठ गई है। उससे उसके मजबूरी को जानने का प्रयास नहीं किया अपितु घृणा से अपने शब्दों का इस्तेमाल किया कि देखो इसके बेटे, जवान बेटे को भी मरे हुए एक भी दिन पूरा नहीं हुआ और यह बेशरम औरत यहाँ पर बेचने के लिए आ गई है। दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अब एक वहां पर दूसरा एक आदमी खड़ा हुआ, उसने भी उसके साथ साथ मिला दिया, हमदर्दी किसी ने नहीं जताई, उसके साथ मिलकर उसने भी कहा, क्या कहा, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देते हैं, इस औरत की नियत ही अच्छी नहीं है, इसको तो पैसा कमाने की पड़ी है, सो ये तो इसीलिए कोई इसे कुछ नहीं खरीद रहा, इनकी नियत अच्छी नहीं होती इसलिए अल्लाह जो है भगवान जो इन्हें बरकत भी वैसी ही देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा। अब सामने वाले फुटपाथ पर भी एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने भी दिया सलाई होता है माचिस की जो तीली होती है ना, उसको दिया सलाई बोलते हैं, उसे अपने कान को खुजखुजाते हुए कहा कि अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। अब उसने अपने कान से खुजखुजाते हुए कहा कि अरे इन कमीने लोगों का, गाली निकाली, अब्यूजिंग लैंग्वेज उनके लिए यूज की, कहते इन लोगों का क्या है, ये लोग तो एक रोटी के टुकड़े के ऊपर जान दे देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई क्या होता है, पति पत्नी, धर्म ईमान, इनका कोई महत्व नहीं है, इनके लिए तो सबसे पहले रोटी का एक टुकड़ा है जिसके लिए ये आज औरत जो है अपने जवान बेटे की मृत्यु के अगले ही दिन आकर यहाँ पर कमाने के लिए बैठ गई है। अब राइटर सोचा है कि ऐसी कैसे हो सकता है कि कोई माँ जो है वो ऐसा कैसे कर सकती है। सो परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, वहीं पर एक परचून का मतलब होता है जहां से हम राशन खरीदते हैं, राशन की दुकान पर एक लाला बैठा हुआ था, उसने कहा अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई महत्व नहीं है, कहते हैं कि इन लोगों के लिए जो छोटे लोग होते हैं ना, गरीब लोग होते हैं, इनके लिए कोई मरे या जिए कोई महत्व नहीं है, इनके लिए तो बस पैसा ही मायने रखता है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए, कहते हैं कि इनके लिए कुछ नहीं है पर इसको ये तो देखना चाहिए ना कि इसके आने से दूसरे का धर्म और ईमान खराब होता है, जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। अब उसने कहा कि इसका जवान बेटा मर गया है तो जब भी कोई मृत्यु होती है हमारे हिंदू धर्म में सूतक का मतलब होता है एक विधि होती है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो जो शरीर होता है वो तो जल जाता है और कुछ दिनों के लिए ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा होती है हमारे आसपास में ही रहती है, तो 13 दिन का सूतक किया जाता है उस समय में, घर में जो पूजा पाठ जो होते हैं वो किया जाता है, तो वो 13 दिन का सूतक होता है और उस पीरियड को
अपवित्र माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिसके घर में मृत्यु हो या कोई बच्चा पैदा हो तो वहां पर जब 13 दिन का सूतक होता है तो लोग उनके घर का कुछ भी खाना अवॉइड करते हैं, उससे बचते हैं। तो उसने कहा कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। कहते कि इसने सूतक नहीं देखा, 13 दिन तक इसको घर पर रहना चाहिए था, इसने वो नहीं देखा और बेटे की मृत्यु के अगले ही दिन आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, सड़क से तो 1000 आदमी आते जाते हैं, हम तो दुकानदार हैं, हमें पता है कि इसके बेटे की मृत्यु हो गई है, पर जो आने जाने वाला है उसको तो नहीं पता कि इसके बेटे की मृत्यु हो गई है। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कि कोई क्या जानता है कि इसके बेटे की मृत्यु हो गई है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, कोई इसके बेचे हुए जो खरबूजे ये बेच रही है तो वो अगर वो ले जाएगा, खरीद लेगा तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। कहता कि उसने कहा कि देखो ये तो क्या अंधेर है, पर बच्चों देखो आपने देखा होगा कि राइटर देख रहा है कि सभी दुकानदार आकर उसे घृणा के शब्दों में उससे बात कर रहे हैं, उसके लिए घृणा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर कोई किसी ने एक भी दुकानदार ने आकर उसे ये नहीं पूछा कि तुझे रोने का कारण क्या है और अगर तेरी कोई मजबूरी है तो हम तेरी मदद करते हैं, 13 दिन का सूतक है तो तुम घर पर रहो और 13 दिन के खर्च के लिए हम तुम्हें पैसे देते हैं, किसी भी दुकानदार ने उसे आकर ये नहीं कहा। तो यहाँ पर हम आज यहीं तक ही करेंगे, कल इसके बाद रिमेनिंग जो वो रहेगा वो हम अगली वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे।